नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, स्वागत है आपका इंडिया 24 आवर्स में। मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में शनिवार के दिन जहां जहां हनुमान जी का मंदिर होता है वहां हम हमेशा भीड़ देखते हैं। यूं तो शनिवार का दिन विशेष रूप से शनिदेव को ही समर्पित होता है, लेकिन किसी खास वजह से इस दिन हनुमान जी की पूजा का भी विधान है और इसका कई गुना फल भक्तों को मिलता है, ऐसे भक्त जनों का मानना है। मुंबई के पवई इलाके में ठीक हीरानंदानी अस्पताल के पीछे एक हनुमान जी का मंदिर है जिसमें भक्तजन बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। वैसे पवई इलाके में देखा जाए तो हनुमान जी के बहुत मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर में ही लोगों की भीड़ दिखाई देती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में पहले कोई नहीं आता था, फिर यहाँ के समाज सेवक भरत सिंह ने लोगों में हनुमान जी के इस मंदिर के बारे में जागरूकता की, लोगों को एकत्रित किया और फिर देखते ही देखते इस मंदिर में लोगों की भीड़ दिखाई दी है। इस बारे में हमारे संवाददाता आकाश पगारा ने भरत सिंह जी से बात की है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं आकाश पगारा में आपका स्वागत करता हूँ। हम पवई के हिरनंदनी के बाजू में जो हनुमान जी का मंदिर मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे पवई के जो समाज सेवक भरत सिंह जी, ये हर शनिवार के दिन यहाँ पे भाविकों को प्रसाद और आरती लेते हैं। आइए हम भरत जी से। हम लोगों ने रामनवमी का कार्यक्रम था, रामनवमी का प्रोग्राम था, रामनवमी से हम लोगों ने हनुमान मंदिर के यहाँ पे एक भव्य जुलूस निकाला था और वहाँ से हम लोगों के सभी हम हिंदू भाई लोग और दोस्त लोग जुड़े वहाँ से हमारे अंदर कुछ शक्ति आई, बुद्धि आई कि हम लोग भी अपने मंदिर में आकर आरती उरती किया करें। तो हम लोगों ने सभी एक कोई हिंदू एकता सकल समाज एक संगठन का हम लोगों ने नाम दिया और पौई के अंदर जितने भी मंदिर है वहाँ पर हमने एक बीड़ा उठाया, कसम खाए कि हर शनिवार, हर मंगलवार, हर गुरुवार और सोमवार जितने भी जो भगवान के हमारे तारीख होते हैं, समय होते हैं, दिन होते हैं, उस दिन हम लोग हर मंदिर के आरती करेंगे हम लोग। और इसी तरह हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने आरती स्टार्ट की है IIT मेन गेट हनुमान मंदिर। वो हनुमान मंदिर करीब कम से कम मुझे लग रहा है कि 60 साल के ऊपर हो गया हनुमान मंदिर को। बहुत ही शक्तिवान मंदिर है, जो भी आप मानते हैं आपकी सभी मनोकामनाएं वहां से पूरी होती है। वहां पे प्रशांत शर्मा जी बहुत बड़ा भव्य हनुमान जी का जिस दिन जन्माष्टमी रहता है उनका, उस दिन बहुत भव्य तरीके से वो वहां पे प्रसाद रूप रखते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने वहां पे आरती चालू की। उसी के ठीक बाद हमने यहाँ पर शुरुआत की है, ये पौ हिंदू एकता सकल समाज में हर शनिवार को 7:15 IIT मेन गेट में हनुमान जी का आरती होता है। उसी के ठीक उपरांत दूसरी आरती हीरानंदानी हॉस्पिटल राज ग्रेंडर बिल्डिंग के सामने जो एक हनुमान मंदिर है, जहां पर कभी बहुत मुश्किल से गिने चुने लोग, उंगलियों पे आप लोग गिन सकते हैं, वो लोग आते थे यहाँ पे दर्शन करते थे। आज हम लोगों ने 3 महीने के ऊपर हो चुका है, यहाँ पर 7:30 हर शनिवार को दूसरी आरती होती है। यहाँ पर आज भव्य तरीके से यहाँ पर प्रसाद रूपी वितरण भी होता है। सभी मेरे मित्र हैं, हनुमान भक्त लोग हैं, वो लोग अपने दिल से सामने से आकर प्रसाद के लिए वो लोग मुझे कहते हैं कि आज का शनिवार का प्रसाद मेरे तरफ से है। अभी जैसे प्रसाद जो यहाँ पर देते हैं, जो हर शनिवार जो दे रहे हैं, पहले तो मैं उनका अभिनंदन करूंगा, हनुमान जी उनको बहुत ताकत शक्ति दे कि उन्हीं लोगों को देख के और भी सभी हनुमान भक्त लोग आगे आए और प्रसाद यहाँ पर काफी प्रसाद वितरण में वो लोग भी सहयोग करें। जैसे कि मेरे साथ में हमारे दोस्ती फाउंडेशन हमारा एक ग्रुप है, उसके अंदर मेरे साथ में 20 लोग जुड़े हैं दोस्ती फाउंडेशन में। हर दोस्ती फाउंडेशन में जिस किसी का भी हमारा बर्थडे होता है वो बर्थडे का कार्यक्रम करते हैं, और भी उसी तरीके से हम लोग बुक वितरण ये सभी कार्यक्रम हम लोग दोस्ती फाउंडेशन के तरफ से वहां पर कार्यक्रम करते हैं। और वही दोस्ती फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने गुरुवार की भी आरती चालू की है साईनाथ नगर में। हर गुरुवार को 7:30 वहां पर भी भव्य आरती होती है, वहां पर भी लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदू समाज के जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम उनको मंदिर तक लाना चाहते हैं।
अगर हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, आप अपने घर से स्टार्ट करिए, पूजा पाठ करते हैं, आप अपने घर पे पूजा पाठ करके माथे पर तिलक लगाकर आप अपने घर से बाहर निकलिए, ताकि आपके घर में जो आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, वो आपको देखे। आपके घर से जब संस्कार चालू होगा तो संस्कार आप बाहर लोगों को बता सकते हैं। आप अपने घर के बाहर जब निकलेंगे तो आपके मोहल्ले है, सोसाइटी है, वहां के लोग आपको देखेंगे कि आप तिलक लगाकर हर पर डे आप तिलक लगा कर घर से पूजा करके बाहर निकलते हैं, तो वो लोग भी आपको देखेंगे, उनको भी समझ में आएगा कि ये बंदा तिलक लगाते, हम लोग भी तिलक उलक लगा के अपने हिंदू संस्कृति को, सनातन धर्म को हम लोग आगे बढ़ाए और सब लोगों को हम लोग जोड़े। और इसी तरीके से मेरे साथ में जैसे मैं कह रहा था कि प्रसाद हमेशा कंटिन्यू जो दे रहे, राकेश परब जी है वो हमेशा पानी देते हैं, कैलाश कुशेर जी हमेशा केला का केला देते हैं, रमेश शर्मा जी केला का वाटअप करते हैं, बूंदी है वो सभी लोग मिलकर जो देता है, जो हम लोग पौ हिंदू एकता सकल समाज बनाए हैं उसमें कुछ 600 के ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से सभी हनुमान भक्त अपनी जो देने की शक्ति ताकत है वो देते हैं। अशोक पांडे जी हैं वो चना गुड़ प्रसाद देते हैं, और प्रकाश भाई है फ्रूट की स्टॉप है, वो भी सेव बूंदी और 5 फूल हमेशा चढ़ाते हैं। जो लोगों की मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं यहाँ से पूरी होती है, जब पूरी होती है तभी लोग जुड़ते हैं और वो जुड़ने का कार्य बहुत एक बड़ा भव्य कार्य होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है, इसमें कोई भी राजनीति नहीं है। मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहता हूँ, पूरे पौई के हिंदू समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये पौई के सभी मंदिरों में आरतियां होंगी और ये प्रसाद रूपी जो है वो वितरण हमेशा होते रहेगा। ये किसी भी राजनीति, कोई भी पार्टी, कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपने दिली इच्छा से ये कार्य कर रहे हैं और हमें भगवान हमको शक्ति ताकत दे कि आगे और इससे बड़े हम लोग कार्य करते रहे, लोगों को जोड़े, सभी हिंदू समाज के लोगों को जोड़े, सभी जो भाई बहन जो बिल्डिंग के लोग नहीं आ पाते हैं वो लोग भी उतरे हमारे साथ में आरती में शामिल हो।